गंगा दोपहर देख रहे हैं आप, एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ताज नगरी आगरा में आज से बाजार खुल गया है, हालांकि वहां भी और जगहों की तरह व्यापारियों को नियमों का पालन करना पड़ रहा है। ऐसे में एबीपी गंगा की टीम इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान पर पहुंची, जहां नियमों का खास ख्याल रखा जा रहा था। दुकान के मालिक से बात की वहां पर हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने। 22 मार्च से बंद आगरा में कारोबार का पहिया आज से घूमना शुरू हो गया है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से शहर में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आज से बाजार खोले जा रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, यानी 7 घंटे तक बाजार आप खोल सकते हैं, लेकिन तमाम शर्तें इसके लिए लगाई गई हैं। प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं उसके मुताबिक हर बाजार में एक दिन एक तरफ की मार्केट खुलेगी, दूसरे दिन दूसरे तरफ की मार्केट खुलेगी, और ऐसे 3 दिन एक तरफ की मार्केट, 3 दिन दूसरे तरफ की मार्केट, और एक दिन साप्ताहिक बंदी होगी जिस दिन पूरे मार्केट को सैनिटाइज किया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जाए 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, और उससे पहले ही आगरा में बड़ी संख्या में केसेज आना शुरू हो गए थे, और तभी से 22 मार्च से ही आगरा शहर पूरी तरह से लॉकडाउन में था। और अब शहर में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हालांकि अनलॉक वन की शुरुआत 1 तारीख से हो गई है, लेकिन प्रशासन ने अपनी तैयारियां की और 3 तारीख यानी आज से बाज़ार खुलने की सशर्त अनुमति दी थी। और इसको लेकर लगातार बाज़ार कमेटियों के साथ पुलिस और प्रशासन की तमाम मीटिंग्स चल रही थी, और पूरा एक खाका खींचा गया है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और जो तमाम नियम हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं, तो उन नियमों को फॉलो करते हुए हमें मार्केट खोलना है, हमें कारोबार करना है, इसके लिए एक बड़ी गाइडलाइन तैयार की गई है और उसी को फॉलो करना है। क्योंकि जिलाधिकारी आगरा ने व्यापारियों के साथ ये स्पष्ट कर दिया है उनके साथ मीटिंग में कि अगर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों की धज्जियाँ उड़ी तो उस मार्केट को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा और साथ ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगरा से कैमरा पर्सन धीरज सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और प्रदेश के कोरोना अपडेट को इस वक्त दिया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 230 लोगों की मृत्यु हुई है जो कोविड धनात्मक थे। प्रदेश में कल 9322 सैंपल की टेस्टिंग की गई और अब तक प्रदेश में 3,00,000 से ज़्यादा टेस्ट संपन्न किए जा चुके हैं। जो कुल आंकड़ा है टेस्टिंग का अभी तक वो 3,08,398। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 3,448 लोगों को रखकर उनकी चिकित्सा की जा रही है, जो विभिन्न चिकित्सालयों में अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में हैं और इनका इलाज चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 8,031 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। जो लोग आइसोलेशन वार्ड्स में भर्ती हैं उनमें से 68 लोगों को 68 को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है और 4 लोग इस समय वेंटिलेटर पर हैं, 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। टेस्टिंग में पूल सैंपलिंग का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं और कल 798 5-5 सैंपल के पूल लगाए गए और 95 10-10 सैंपल के पूल लगाए गए। आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग प्रदेश सरकार लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में अलर्ट करने के लिए लगातार इस्तेमाल कर रही है। जो भी अलर्ट जनरेट होते हैं इस ऐप से उसकी सूचना हमारे पास आती है और हम लोगों को फ़ोन करके अपने स्टेट के हेडक्वार्टर से उनका हालचाल पूछते हैं। अब तक 54,397 लोगों को हमारे स्टेट के हेडक्वार्टर से, जिन्हें भी ऐप से अलर्ट्स जनरेट हुई हैं, उनको फ़ोन किया जा चुका है। इसमें से 64 लोग संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, 137 लोग अभी संक्रमित हैं और विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा करवा रहे हैं, और 2,083 लोगों ने बताया है कि वो इस समय क्वारंटाइन में हैं। आपके माध्यम से मैं ये लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप में किसी प्रकार के लक्षण आते हैं,
वैसे हमारी टीमें घर घर जाकर जांच पड़ताल भी करती हैं और जो प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल, उनका हालचाल पूछने का कार्य आशा वर्कर्स के द्वारा निरंतर किया जा रहा है और अगर उनमें कोई लक्षण पाए जा रहे हैं तो उनकी हम जांच भी करवा रहे हैं सैंपल लेने के पश्चात। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि उसमें कोई लक्षण आ रहे हैं, अगर आपको बुखार हो रहा है, अगर आपको खांसी हो रही है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तत्काल जिला चिकित्सालय जाएं या नज़दीक के सरकारी अस्पताल जाइए, सलाह लीजिए, अपनी जांच करवाइए और अगर संक्रमण पाया जाता है तो उसका इलाज करवाइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए बिल्कुल संकोच न करें। अगर आप संकोच करेंगे तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। जो भी मामले जिनमें जटिलताएं आ रही हैं उनमें यही देखा जा रहा है कि जो लोग विलंब से आ रहे हैं, जो अपनी बातों को छुपा रहे हैं, अपनी बीमारी को नहीं बता रहे हैं, उन्हें बाद में जटिलताएं हो रही हैं। जो लोग जैसे ही उनकी सांस फूलने लगे या उनको खांसी बार बार आने लग जाए या बुखार हो, वो तत्काल अपनी जाँच पड़ताल करवा ले रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही है और वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर लौट रहे हैं। इसलिए आप सबों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप में कोई लक्षण आए और अगर आपको लगता है बुखार है, आपके घर में कोई थर्मामीटर है उससे आप जांच कर लें और अगर आपको बुखार है तो तत्काल सलाह लीजिए। अगर आपको खांसी हो रही है बार बार, अगर आपकी सांस फूल रही है, सलाह लीजिए और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर भी फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। सर्वेलेंस का कार्य हमारा लगातार चल रहा है। अब तक 14,268 इलाकों में, जिनमें 3,989 हॉटस्पॉट इलाके हैं और 10,279 नॉन हॉटस्पॉट इलाके हैं, इनमें सर्वेलेंस का कार्य हुआ है। 1,03,433 टीम दिवस के माध्यम से 80,15,712 हाउस होल्ड्स का सर्वेलेंस किया गया है, जिसमें 4,07,20,044 लोगों को सर्वेलेंस में लिया गया है। 4 करोड़ से भी अधिक संख्या का, जनसंख्या का सर्वेलेंस अभी तक हमारी टीमों के द्वारा किया जा चुका है। आशा वर्कर्स के द्वारा अब तक 12,03,680 प्रवासी कामगारों की ट्रैकिंग की जा चुकी है और इनमें से 1,102 लक्षणों वाले पाए गए हैं, जिनका सैंपल लेकर के उनकी जांच की जा रही है। बार बार आपके माध्यम से अनुरोध करने का हम नतीजा देख रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका प्रतिशत संक्रमित लोगों में लगातार घट रहा है। जब हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ किया था उस समय जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनका प्रतिशत कुल संक्रमित लोगों में से 9% के आसपास हुआ करता था। आज वो प्रतिशत घट करके जो 60 साल से अधिक के लोग हैं उनका प्रतिशत केवल 5.99% रह गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बार बार हमारी अपील है आपके माध्यम से, हम जो लोगों से कह रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को संक्रमित होने से बचाइए, अपने जो पहले से कमज़ोर लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको संक्रमित होने से बचाइए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको संक्रमित होने से बचाइए, जो छोटे बच्चे हैं इनको संक्रमण न हो, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। उसका लाभ हो रहा है और इस समय जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 ईयर से ऊपर के लोग हैं उनमें संक्रमण केवल 5.99% है कुल संक्रमित लोगों का। इस संक्रमण से हमें सतर्क रह के, सावधान रह के अपना बचाव करना है। इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सावधानी बरतते हैं, हम सतर्क रहते हैं, अपने हाथ को बार बार हम साबुन पानी से धोते रहते हैं, अगर हम अपने सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखते हैं, उसको हम चाहे फेस मास्क से करें, चाहे हम रुमाल से करें, दुपट्टे से करें, नकाब से करें, किसी और चीज़ से करें, गमछे से करें, लेकिन मुंह और नाक को ढक के रखिए जब भी आप सार्वजनिक स्थल में जाएं। और जब भी आप किसी से मिलें, किसी के पास जाएं, तो 2 गज की दूरी, यह है बहुत ज़रूरी, इसको ध्यान रखें कि 2 गज की दूरी हमेशा हमको मेंटेन करनी है। अगर हम 2 गज की दूरी पर हैं तो हमें संक्रमण का जो आशंका है, जो खतरा है, वो बहुत ही कम हो जाता है। इसी प्रकार से जो लोग सिगरेट पीते हैं
उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सिगरेट पीने में एक तो आपके लंग्स पर उसका प्रभाव पड़ता है और ये बीमारी आपके फेफड़ों को असर करती है, तो एक तो उस दृष्टिकोण से ये खतरनाक है, और दूसरा जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप अपनी उंगली को अपने ओठ पर ले जाते हैं और उससे जो अगर हाथ में आपके वायरस है तो आपके अंदर मुंह से मुंह के रास्ते से अंदर जाने का खतरा रहता है। इसलिए सिगरेट पीने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उनके यहाँ संक्रमण बड़ी आसानी से फैल सकता है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन शैली में बहुत तरह की बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब भी आप कोई सामान बाहर से लेकर आते हैं, बाजार से लेकर आते हैं, तो आने के बाद घर में अपने हाथ को साबुन पानी से ज़रूर धोएं। खाना हमेशा पका हुआ खाइए, कभी भी कच्चा खाना न खाइए। अभी आप जब पका हुआ खाना खाएंगे, पके हुए खाने में वायरस का कोई खतरा नहीं रहेगा। और इसी प्रकार से गांव देहात में जहां की लोग हैंडपम्प से पानी लेते हैं, सब लोग जा करके एक ही हैंडपम्प को इस्तेमाल करते हैं, पानी लेने के बाद जब आप घर आते हैं तो अपने हाथ को धो लीजिए साबुन पानी से। पानी आपके पास ही है, आप पानी लेकर के आए, क्योंकि उस सरफेस को बहुत लोग छू रहे हैं, तो आप जब पानी लेके घर आते हैं तो अपने घर आकर के हाथ को साबुन पानी से जरूर धो लीजिए। जब भी आप ऐसी सतहों को छुएं जिसको बहुत लोग छू रहे हैं, तो उसके बाद जब आप एक तो अपने चेहरे को, मुंह और नाक और आँख को छूने से बचिए, और अगर आप छू भी रहे हैं तो उसके पहले अपने हाथ को साबुन पानी से या सैनिटाइजर से साफ कर लीजिए, ताकि कोई भी संक्रमण, कोई वायरस न रहे। यही रास्ता है वायरस के जाने का, कोरोना वायरस के जाने का रास्ता यही है, वो हाथ के रास्ते या कोई सिर्फ सामने छींकता खांसता है तो मुंह, नाक और आँख के रास्ते आपके अंदर जाता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो संक्रमण की जो चेन है उसको आप तोड़ देंगे, और संक्रमण की चेन तोड़ करके ही हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। संक्रमण पर हम नियंत्रण संक्रमण की चेन को ब्रेक करके ही कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को यह प्रयास करना है कि हम संक्रमण की श्रृंखला को बढ़ने न दें बल्कि हम उसे तोड़ दें, और इस प्रयास में इस समय बहुत आवश्यक भूमिका है मोहल्ला निगरानी समिति की और ग्राम निगरानी समिति की। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, जो होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उनके ये सुनिश्चित करना कि वो होम क्वारंटाइन में अपनी पूरी अवधि ढंग से पूरी करें और होम क्वारंटाइन में ही रहें। और दूसरी बात, ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति की भूमिका यहाँ पर समाप्त नहीं होनी चाहिए कि जो लोग होम क्वारंटाइन में वो होम क्वारंटाइन में रहें। इतना हमको नहीं केवल देखना है, इस समिति को ये भी देखना है कि अगर आपके मोहल्ले में या गाँव में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, उसकी सांस फूल रही है, तत्काल उसकी सूचना जिला प्रशासन को दीजिए, तत्काल उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दीजिए, उसकी सहायता करिए, उसकी जांच करवाइए, और जांच करवा के अगर संक्रमण पाया जाता है तो उसका इलाज करवाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लोक भवन में 10:30 बजे टीम 11 की बैठक आयोजित की। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कोई व्यक्ति भूखा ना जाए, तो पहला बिंदु उनका है कि हर हालत में राशन कार्ड जिनके पास भी ना हो वो अवश्य बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो 4 राउंड राशन दिया गया है, 5वें राउंड का राशन बट रहा है, इस पर संतोष व्यक्त किया और ये कहा कि 2 महीने में जो भी नए राशन कार्ड बन रहे हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। ज़रूरतमंदों को खाद्यान्न देने में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा प्रदेश एक एक व्यक्ति के लिए तत्पर है कि उसको कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में कहीं घटतौली ना हो। अभी हाल में पूरे प्रदेश में जहां भी राशन बट रहा है वहां सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को भेजकर उन्होंने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां भी राशन बट रहा है वहां पर जो क्वांटिटी मिलनी है उसमें किसी भी तरह से कमी ना हो, और अभियान चलाकर जो है राशन की दुकानों को चेकिंग भी कराया जाए और नए राशन कार्ड भी बनाए जाए। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस पेट्रोलिंग के लिए विशेष रूप से आदेश दिया है कि चूंकि अब बाज़ार खुल गए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक है कि पुलिस की पेट्रोलिंग हो, मैजिस्ट्रेट्स भी निकलें और आवश्यक कार्रवाई करें।
कल गृह विभाग की ओर से मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में रेलवे स्टेशन पर जो है पैसेंजर्स के उतरने और चढ़ने का एक हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल लागू करते हुए हर जिलाधिकारी, हर पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और हर जिले के सीएमओ से ये निवेदन किया गया है कि हर रेलवे स्टेशन पर जहाँ भी ट्रेन आ रही हैं वहाँ पर एक प्रभारी अधिकारी राउंड द क्लॉक जरूर रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध रहे। कम्युनिटी किचन के माध्यम से ज़रूरतमंदों को भरपेट भोजन मिल सके, अच्छा भोजन मिल सके, फ्रेश भोजन मिल सके, ये भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और इन कम्युनिटी किचन और क्वारंटाइन सेंटर्स को निरीक्षण करने के लिए विशेष सचिवों को भी फील्ड में भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फील्ड में जाएं तो वहां सीनियर ऑफिसर्स, जॉइंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स जनपद स्तर पर जाकर निरीक्षण करें। इन अधिकारियों को इमरजेंसी सेवाओं को भी और जहाँ आवश्यकता है वहाँ ऑपरेशन की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश उनको दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोविड की जंग जो है उसको हर स्तर पर सतर्क रह के लड़ने की आवश्यकता है और इसमें सभी लोगों को समन्वय बनाकर आगे ले जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी का ये मत है कि जो हमारे 6 मेडिकल कॉलेज हैं ये सबसे सेंसिटिव हैं। जो 6 मेडिकल कॉलेज सेंसिटिव हैं वो है आगरा, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और फिरोजाबाद। मेडिकल कॉलेजेस में विशेष रूप से काम हुआ है। इस बीच में मेडिकल कॉलेजेस में एवं राजकीय केंद्रीय संस्थाओं में जो है 22 अपनी प्रयोगशालाओं में काम होना शुरू हुआ है। कुल मिला के 31 प्रयोगशालाओं में काम शुरू हुआ है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस की प्रयोगशालाओं में जो है अब काम शुरू हुआ है। और आपको बताकर ये खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार लगभग 11-12 ऐसे नए टेस्टिंग लैब्स के लिए भी टेंडर अब जो है मेडिकल कॉलेजेस द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कर दिया गया है, जिससे कि उनको हर हालत में आगे बढ़ाया जा सके। मेडिकल कॉलेजेस को मजबूत करने के लिए 52 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस में केवल बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 2500 से अधिक है। पूरे प्रदेश में लेवल 1 के 403 अस्पताल हैं, जिनमें 72,934 लोगों को जो है लोगों के लिए बेड की व्यवस्था हो गई है। लेवल 2 में जहां ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है, 75 ऐसे अस्पताल हैं जिनमें 16,212 बेड्स की व्यवस्था की गई है। और लेवल 3 में 25 हाई एंड के मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां 12,090 बेड्स की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में 101,236 बेड्स पूरे प्रदेश में कोविड पेशेंट्स के लिए किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है, पूरे देश में रिकॉर्ड है। मेडिकल कॉलेजेस में अब तक केवल मेडिकल कॉलेजेस में ही 2000 से अधिक रोगी जो है अब स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। और इन मेडिकल कॉलेजेस में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के अतिरिक्त डायलिसिस के लिए भी कोविड लेबर रूम भी और कोविड ऑपरेशन थिएटर भी वेंटिलेटर युक्त स्थापित किए गए हैं। यानी यदि कोई कोविड पेशेंट है जिसको डायलिसिस की ज़रूरत है, यदि कोई कोविड पेशेंट है महिला है जिनको लेबर रूम में जाना है, यानी प्रेग्नेंट मदर है, या कोविड कोई पेशेंट है जिनका ऑपरेशन होना है, उसकी भी व्यवस्था जो है वेंटिलेटर युक्त ICU की भी व्यवस्था मेडिकल कॉलेजेस में कर ली गई है। जो पैरामेडिक्स और वेंटिलेटर जो ऑफिसर्स हैं, चिकित्सक हैं, उनकी ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज में 13 प्रकार की ट्रेनिंग की गई है, 13 ट्रेनिंग्स अलग अलग प्रकार की गई हैं। और इसके साथ साथ 28,000 NCC कैडेट्स को भी मेडिकल एजुकेशन विभाग द्वारा ट्रेन किया गया है। तो जहां एक और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे प्रकरण में, पूरे इस कोविड अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा भी तेज़ी से जो हाई एंड कार्य है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और दोनों विभागों पर निरंतर मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन उनका अनुसरण सुनिश्चित कराते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में और अस्पतालों में जो PPE किट, मास्क और 3-लेयर मास्क और ग्लव और सैनिटाइज़र है,
इसकी अब पर्याप्त उपलब्धता हो गई है। जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, अब पीपीई किट की दर 351 रुपये हो गई है और 351 रुपये मात्र में ओवरऑल की कवरऑल की 351 रुपये की हो गई है, जो बहुत ही अच्छी दर है और संभवतः पूरे देश में सबसे अच्छी दर प्रदेश सरकार को अपने मेडिकल कॉरपोरेशन सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक केवल बिंदु पर विशेष बल दिया है, वो है टेस्टिंग पर, और अब उनकी ये उनका लक्ष्य है कि 15,000 की टेस्टिंग इसी सप्ताह में जल्दी हर हालत में हो जाए। आपको मालूम है टेस्टिंग की व्यवस्था 10,000 करीब क्रॉस कर गई है, उसको 15,000 करने के लिए ट्रूनेट मशीन जो है वो विशेष रूप से मंगाई गई है। और आपको बताकर मुझे खुशी है कि जहां सरकारी जहाज सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का राज्य सरकार का जहाज 2 से 3 बार विशेष रूप से जो पूरी ट्रूनेट मशीन है वहां से सीधे लेकर आया है, जिससे कि इन मशीनों को जल्दी से जल्दी हमारे सभी हॉस्पिटल्स में हमारे मेडिकल कॉलेजेस में लगाया जा सके। और इनसे अब ये क्षमता जो है 15,000 हो जा रही है प्रतिदिन के टेस्ट की। वेंटिलेटर्स को भी क्रियाशील किया गया है और साथ में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को भी, मेडिकल टीम को भी संक्रमण से बचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने IDC को महोदय को ये कहा है कि निवेश वृद्धि के लिए उद्योगों से वो संवाद बनाएं, निवेशकों से संवाद बनाएं। गेहूं क्रय केंद्र में APC साहब को ये निर्देश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं क्रय की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे कि गेहूं क्रय की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। जहाँ तक ट्रेन्स का आने का सवाल है, अब जो है कुल मिला के 1612 ट्रेन सुबह तक आ चुकी थी, 22,80,000 लोग आ चुके थे। आज 4 ट्रेन हमारे प्रदेश में आएंगी, 2 तमिलनाडु से, 1 कर्नाटक से, 1 केरल से, यानी तो एक सप्ताह में 15,000 तक टेस्टिंग को पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे पहले 10,000 तक टेस्ट हर दिन किए जा रहे थे, अब इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए एक हफ्ते के अंदर 15,000 पर डे के हिसाब से सरकार टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा रही है। 1612 ट्रेनों से 22,00,000 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश वापस आ चुके हैं। एक डेटा दिया गया है, 1612 ट्रेनें हैं जिनसे कुल मिलाकर 22,00,000 प्रवासी या यूं कह लीजिए दूसरे राज्यों से जो हैं लोग उत्तर प्रदेश लौट कर आए हैं। राशन कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जैसे कि यूपी सरकार प्रवासी मजदूरों के फौरन राशन कार्ड बनवाने का लक्ष्य उसमें रखा है। तो जो भी लोग वापस आए हैं उनको सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला जो मुफ्त राशन है उसके तहत वो मिल सके, आगे की सुविधाएं मिल सके, इसके लिए उनके राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं। हर रेलवे स्टेशन पर प्रभारी अधिकारी जरूर मौजूद रहे जो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर सके। ये जो पूरी जंग है कोरोना से, ये केवल सतर्क रहकर लड़ी जा सकती है। इसकी चेन को ब्रेक करना, इस बीमारी को उतना ही दूर रखना है। तो रेगुलर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो भी हो रही है, और दोनों ही सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, दोनों ने ही अपडेट किया पिछले 24 घंटे का हाल। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। इस बीच में एक बहुत बड़े